बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेक्चर वन जो था हमारा चैप्टर वन का ही सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर हमारा चल रहा है, आपको बता दी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के ऊपर जी बात हो रही थी कल। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसके बाद जी हिस्ट्री को स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें कल तीन साइंटिस्ट को हमने स्टडी किया था, अल राजी को, डॉग्रिनर को और न्यूलैंड को जी। तो आज फर्दर मैं अपने उसी लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करते हुए मेंडलीव से, दमित्री मेंडलीव नाम है साइंटिस्ट का, इससे बात शुरू कर रहा हूं जी। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिएगा, आज का लेक्चर देखें तो क्या जी, मेंडलीव हु वॉज द फोर्थ केमिस्ट, आपकी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बुक के हवाले से उसमें चौथा केमिस्ट, पूरा नाम थी दमित्री मेंडलीव। डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, जैसा कि मैं आमतौर पे लिखता होता हूं साइंटिस्ट की, तो वो मैंने लिखी हुई है। ये था क्या जी, ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, ये रशिया का रहने वाला एक कीमियादान था, जिसने क्या वर्किंग की, व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री वॉज इन 1871 जी, 1871 के अंदर इसने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स, वही जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो गए हुए थे, होप्स हो गए 62 से ज्यादा हो गए हुए थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कल पढ़ा था कि जो न्यूलैंड का जब टाइम चल रहा था तब तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हुए थे। अब उसके आगे जो है, जो मजीद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए होंगे बच्चे, दमित्री मेंडलीव ने वेरी फर्स्ट टाइम क्या किया, उनको ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर अरेंज किया एलिमेंट्स को। देखें आप ग्रुप्स, ग्रुप्स आप सबको पता बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड्स, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। इस तरह से पहली दफा इन एलिमेंट्स को रशियन केमिस्ट जो कि दमित्री मेंडलीव था, उसने 1871 के अंदर अरेंज किया। अब एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया बच्चे उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे, एटॉमिक मैसेज की बेस पे कैसे, वही असेंडिंग ऑर्डर लगाते हुए, यानी कि सबसे पहले वो वाला एलिमेंट रखा कि जिसका एटॉमिक मैस सबसे कम था, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मैस वाले एलिमेंट, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मैस वाले एलिमेंट, इस तरह से इसने इनको पीरियड ग्रुप्स में अरेंज किया। अब देखें यहां पर एक चीज आ जाती है, पीरियोडिसिटी, जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इसमें से क्वेश्चन आता होता है डिफाइन पीरियोडिसिटी, या क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, तो वो देख ले आप क्या है, डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है जी, द चेंजिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है जब डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स की बच्चे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से बेशक बहुत कम लेकिन चेंज लाजमी होंगी। ऐसा नहीं होता कि दो एलिमेंट्स की 100% प्रॉपर्टीज सेम हो, नॉट पॉसिबल। तो ये देखें, द चेंजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक बकायदा तरीके से, मतलब कि एक प्रॉपर्टी चेंज हुई, मतलब कि आप कह लेंगे 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स की हम 10-10 प्रॉपर्टीज को ही स्टडी कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ 9 प्रॉपर्टीज सेम थी, एक मुख्तलिफ थी। अब उससे आगे जो थर्ड एलिमेंट है, मैं कहता हूं सेकंड एलिमेंट्स के साथ फिर से उसकी 8 या 9 प्रॉपर्टीज सेम थी, एक डिफरेंट थी जी। फोर्थ एलिमेंट की 8 प्रॉपर्टीज सेम थी, मैं कहता हूं 2 प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था। तो ये जो रेगुलर इंटरवल के हवाले से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे, पीरियोडिसिटी। ठीक है, एंड दैट वाज द पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या था कि जब एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज चेंज होना, एलिमेंट्स की असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, तो ये हमारे पास क्या था जी, पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, और पीरियोडिसिटी आपके सामने बात कर चुका हूं मैं। आगे मेंडलीव ने ये जो पीरियोडिक टेबल बना लिया पीरियोडिसिटी को देखते हुए, अब आते हैं बच्चे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करते हैं, कि मेंडलीव ने भी जो 1871 के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ कमियां भी थी और उसने कुछ एडवांटेजेस भी बात की थी, वो देखते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात क्या थी, व्हेन ही वॉज अरेंजिंग द एलिमेंट्स
ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल, कि जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो ये क्या करता था जी, बीच में यूं गैप छोड़ देता, लाइक ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यहां पे इसने गैप छोड़ दिया, फिर ये आ गया एलिमेंट। तो जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे इसने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को रेगुलर इंटरवल के हवाले से स्टडी करते हुए अरेंज तो किया, लेकिन ये बीच में कुछ गैप छोड़ देता था। क्यों गैप छोड़ता था? क्योंकि जब ये देखता था कि प्रॉपर्टीज में चेंज जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के मुताबिक आने से बंद हो गए, एक रेगुलर इंटरवल से चेंज नहीं आ रहा, लाइक इन दोनों एलिमेंट्स में अगर दो प्रॉपर्टीज का फर्क था तो अगले दो एलिमेंट्स में जी चार प्रॉपर्टीज का फर्क आ रहा है। तो इस चीज को देखते हुए मेंडलीव ने सोचा कि डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट तो आना चाहिए कि जिसके दरमियान फिर से दो प्रॉपर्टीज का ही डिफरेंस हो, इसी चीज को तो पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो फिर मेंडलीव क्या करता था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने कुछ गैप छोड़ दिए, कि उसने क्या सोचा, व्हाट वाज हिज प्रेडिक्शन, इसने उस वक्त प्रेडिक्ट किया कि आने वाले वक्त में लाजमी कोई इस तरह का एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा जो इस जगह पर आएगा। बात समझ में आ रही है? मेंडलीव ने क्या किया कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए कुछ जगह छोड़ दी, इस बात को जहन में रखते हुए कि आने वाले वक्तों में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा और इस गैप में वो एलिमेंट नया आना, ठीक है। और ही वॉज राइट, देखे क्या कहते हैं, लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल, वाई फॉर दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के लिए हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए हुए थे। और वो एलिमेंट्स में से एक की एग्जाम्पल बुक में देखता है, वन वॉज द जर्मेनियम। जर्मेनियम जो कि मेंडलीव के दौर में डिस्कवर नहीं हुआ हुआ था, बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और जैसा कि इसने कहा था बिल्कुल उसके कहे के मुताबिक वो जो गैप छोड़ा था वहां पर जर्मेनियम ही फिट आ रहा था। तो ये एक इसका एडवांटेज था या मेरिट था पीरियोडिक टेबल का। अब आगे हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की कुछ। तो डीमेरिट्स में देखें एक बार जी, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी डिसाइडेड। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को डिसाइड ना कर सका कि हाइड्रोजन को हम पहले ग्रुप में रखें या चौथे में रखें या सातवें में रखें। इस बात को हम इसी चैप्टर के एंड पे जो है वो स्टडी भी करेंगे, ठीक है। फर्दरमोर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये जो एलिमेंट्स हैं आपको पता है जी, लास्ट टू पीरियड्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, एक लैंथेनाइड सीरीज है, एक एक्टिनाइड सीरीज है, ये भी डिस्कवर हो चुकी थी लेकिन इन एलिमेंट्स को प्लेस ना किया गया। एंड पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वाज नॉट इंडिकेटेड, अगेन आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो भी इंडिकेट ना की गई, क्योंकि आप देखें ना इसने तो एटॉमिक मैस के हवाले से बनाया था ना पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है कि आइसोटॉप जो होते हैं उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देख ले हाइड्रोजन है, उसके तीन आइसोटॉप्स हैं जी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब ये तीन आइसोटॉप्स हैं, तीनों के एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं, 1, 2 and 3, प्रोटियम 1, ड्यूटेरियम 2, ट्रिटियम 3। तो अगर इसके तीन आइसोटॉप्स हैं तो डेफिनेटली उनको तीन जगह चाहिए थी, लेकिन पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप वाज नॉट इंडिकेटेड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दीज वर सम डीमेरिट्स। अच्छा, अब यहां पर आके मेंडलीव की बात खत्म होती है, दिमित्री मेंडलीव की। अब हम आगे बात करने लगे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ऐसा पीरियोडिक टेबल जो कि अब आप लोग स्टडी करते हैं, जिसको जिसके मुताबिक हम सारे प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिर्फ इसमें जो बेसिक फर्क है कि याद रखिएगा बच्चे, मेंडलीव की बात कर लूं या इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, पीरियोडिक टेबल को बेटा स्टडी किया जाता था एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे, लेकिन बेसिक चेंज क्या आया कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो बेटा एटॉमिक मैसेज की बजाय अब वो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हवाले से अरेंज किया गया। जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हुए थे अब एटॉमिक मैसेज नहीं, उसको दोबारा स्टडी किया गया, रिसर्चेस की गई, तो ये बात मालूम हुई कि एटॉमिक मैस की बजाय अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हवाले से बच्चे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाए तो जो पीरियोडिसिटी है यानी कि चेंजिंग इन प्रॉपर्टीज वुड बी मोर रेगुलर इंटरवल, वो ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। तो इस तरह से फिर सबसे पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आई कि मैस नंबर से एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। अब हम जी कुछ इंप्रूवमेंट्स को स्टडी करने लगे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो पुराना है,
अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में चेंजेस आई ना, वो क्या चेंजेस आई थी उनको स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पर अगेन एक साइंटिस्ट का नाम आता है एंड ही वॉज हेनरी मोजिले। आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है मोजिले या कुछ बुक्स में लिखा होता है एच मोजिले, ठीक है, नाम उसका क्या थी हेनरी मोजिले। अगेन वही बात, इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ ये आपके सामने मैंने लिखी है। ओके, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, बेसिक कंट्रीब्यूशन जी इसी की थी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या है कि देखिए 1911 आप कह रहे हैं इसकी डेथ से चार साल पहले इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है बच्चे हेनरी मोजिले ने 1911 के अंदर डिस्कवर किया। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनको एमसीक्यूज के लिए लाजमी याद रखा करें, एमसीक्यूज में ये काम आएंगे। क्या कि इन 1911 ही डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को इसने डिस्कवर किया। और इसी ने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है बच्चे इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। यानी कि इसी ने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हवाले से अरेंज करें, एटॉमिक मास के हवाले से ना करें। और क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और एटॉमिक मास लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बच्चे एटॉमिक नंबर क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक एलिमेंट के जितने मर्जी आइसोटोप्स हों उन सबका एटॉमिक नंबर फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटोप का वाली है, एटॉमिक मास जबकि डिफरेंट होता है। सो यही वजह है कि इसने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिकॉज एवरी आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, क्योंकि हर आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है बच्चे वो डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक नंबर हर आइसोटोप का सेम है। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये भी बात बार नहीं याद रखनी, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज एक तरह से हम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं जी, ये भी हम पहली इंप्रूवमेंट को ही स्टडी कर रहे हैं, हेनरी मोजिले जिसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और उसकी सिग्निफिकेंस भी बताई थोड़ी, ये आपके सामने मौजूद है। आगे अब मैं पीरियोडिक लॉ की बात करूं बेटा, पहले मैंने आपको ये पीरियोडिक सिटी में भी एक पीरियोडिक लॉ की बात की थी, ये नहीं, ये हमारे पास ओल्ड है, अब इसको स्टडी नहीं किया जाता। हमने जो स्टडी करना है दैट इज पीरियोडिक लॉ, या इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जी व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, डिफाइन पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपने यही लिखनी होगी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जरा गौर से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पीरियोडिक लॉ में भी आप लफज देखें, पीरियोडिक आ रहा है विच कैन बी पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक पीरियोडिसिटी ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं दूसरे के। तो अब आप देखें लॉ क्या है, कहता है कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए बेटा किस तरह, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पहले हम यहां तक बात करते हैं। ये जो लॉ था ये एटॉमिक मास के बिहाफ पे था, ये मैंने लिखा हुआ है, बट अब जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं बेटा इसके अंदर ये देखें, मैंने बताया है एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। क्या, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि अगर एलिमेंट्स को जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए उनको अब ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करना है, और किस तरह से अरेंज किया जाए बेटा, इस तरह से अरेंज किया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर बने एटॉमिक नंबर का, कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखा जाए, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा है या उससे ज्यादा है तो वो बिल्कुल इसी तरह लिखे जाए। तो कहता है इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन द पीरियोडिक मैनर, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसी पीरियोडिक मैनर में यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगी, ठीक है, जैसे कि आपने कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़ा था, तो वो बातें। कहता है इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हवाले से अरेंज किया जाए, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल पीरियोडिक मैनर के हवाले से ही जो है रिपीट होंगी। ये आपके पास पहली इंप्रूवमेंट आई है। अभी क्या याद रखने के लिए सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रख लिएगा, हेनरी मोजिले ने 1911 के अंदर एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, तो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के हवाले से पूरे पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट इंप्रूवमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा सेकेंड इंप्रूवमेंट क्या थी, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ग्रुप, एक नया एलिमेंट्स का ग्रुप जो है अब तक वो डिस्कवर हो चुका हुआ था, तो एक नया जो एलिमेंट्स का ग्रुप डिस्कवर हुआ था दैट वाज एक्स्ट्रा ग्रुप, 8A ग्रुप भी उसको कहा जाता है,
बेटा इसी के ये कुछ नेम्स मैंने लिखे हैं। नोबल गैसेस भी इनको कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स के जो हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं बेटा, ये रिएक्ट नहीं करती ये गैसेस, जिसकी वजह से इनको नोबल यानी कि शरीफ नोबल गैसेस कहा जाता है या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। और जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। तो बेटा इनके ऊपर जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो जीरो की ही आती है। जैसे ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ीनॉन, तो इन सब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो जीरो आती है। और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब वो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? सो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये वो नोबल गैसेस हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके थे। इनको फिर 8A ग्रुप बना दिया गया पीरियोडिक टेबल में, 18th ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर इन सारी गैसेस को जो है अरेंज किया गया। ठीक है, अब ये आपके सामने आज का लेक्चर है, मजीद देखें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और एक बात और बता दूं कि आप ये जब स्टडी कर रहे होते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू मेक नोट्स तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या वीडियो को बीच में पॉज कर सकता है, और यहां से ये कुछ डेफिनेशंस मैं लिखता हूं, ये डेफिनेशंस देख लिया करें, या ये कुछ डेट्स वगैरह, ताकि ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से काम आए। थैंक यू सो मच।